हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हम आ चुके हैं पीडब्ल्यू में और यहाँ से सर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और एक साल आपके लिए क्या खास होने वाला है आप अगर एडमिशन लेते हो तो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ तो सर कुछ बताइए, जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर, चाहे वो फाउंडेशन को 9th or 10th या फिर नर्सरी में बच्चा जा रहा है 11th or 12th या फिर बच्चा ड्रॉपर का, चाहे वो IIT के प्रिपरेशन करना चाहता हो या फिर डॉक्टर के लिए यानी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, तो सभी के लिए एडमिशन ओपन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो जो क्लासेस हैं इनकी अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अभी एडमिशन ओपन है तो एप्लीकेशन के थ्रू भी एडमिशन करवा सकते हैं। तो सर अभी जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए क्या खास होने वाला है अभी? बिल्कुल, अभी जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इस साल से कुछ खास हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है VPR विद्यापन रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जो कि हमारे नीट के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेनिफिट रहेगा। अभी आपको पता है कि नीट में कितना लेंथी कोर्स होता है, काफी बड़ा कोर्स होता है, बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़े कोर्स तो लेंथी कोर्स के लिए हमें क्या प्रोवाइड क्या जरूरत होती है, सेल्फ स्टडी की जरूरत होती है बेसिकली। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करने के लिए हम लोगों ने रेजिडेंशियल प्रोग्राम स्टार्ट किया है सर से, है ना। पिछले साल स्टार्ट हो चुका था डॉक्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, बट इस साल से हम 11th से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जो 11th के स्टूडेंट्स है, 12th के स्टूडेंट्स और डॉक्टर के स्टूडेंट है, तीनों क्लासेस के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं VPR के प्रोग्राम। बेसिकली इसमें बच्चों को काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा सेल्फ स्टडी के लिए। ओके, और यहाँ पे पूरा ट्रैकर रहेगा, 360 डिग्री पैडागोगी का हम यूज करेंगे इसमें, ताकि बच्चा खुद से एनालाइज कर पाएगा। और अल्टरनेट डेज में हम बच्चे के टेस्ट चलेंगे VPR के प्रोग्राम में, तो बच्चा डेली एनालाइज कर सकता है खुद को भी कि मैं मेरे अंदर क्या कमियां हैं और मैं उन कमियों को कैसे सुधार सकता हूँ, है ना। तो रिविजन करने का टाइम मिल जाएगा बेसिकली बच्चे को उसमें। अच्छा, मैंने बताया कि VPRP के बारे में, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाएगा। अब बैच कैसे चलेगा, यहाँ पर 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस चलेगी और 3 दिन ऑफलाइन क्लास चलेगी। तो 3 दिन जो पहला दिन जो ऑनलाइन क्लास चलेगी उसमें बच्चे को 6 घंटे के रिकॉर्ड लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा, और साथ ही में जो बच्चे को हॉस्टल मिलेगा तो हॉस्टल भी PW का टाई अप हॉस्टल रहेगा और बिल्डिंग भी रहेगी। अच्छा सर, तो जो आपका ऑनलाइन क्लासेस है जी 6 घंटा, तो बच्चे को वहाँ पे VPR जो सेंटर है, जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम, वहाँ पे ही पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा वहीं पे हॉस्टल में बैठ के पढ़ाई करेगा, हॉस्टल में ही डाउट फैकल्टीज प्रोवाइड होगी बच्चे को, प्लस मेंटर्स मिलेंगे। जो मेंटर्स रहेंगे बच्चों के साथ में वो 24/7 रहेंगे बच्चों के साथ ही हॉस्टल, तो हर एक बच्चे साथ, हर एक टीचर, मतलब एक टीचर रहेंगे। बिल्कुल, जो डाउट फैकल्टीज होती है ना, जैसे रेगुलर बैचेस में डाउट फैकल्टीज अवेलेबल रहती है, वैसे ही उस बैच में भी डाउट फैकल्टीज रहेगी, जो कि बच्चे के जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व। तो यहाँ पे ऐसा है कि मतलब कि जो भी मतलब बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो उनके साथ एक मतलब पर्सनली मेंटर मिल सकता है उनको? हाँ बिल्कुल, पर्सनलाइज मेंटर मिलेगा बच्चों को, पर्सनलाइज मेंटर, जैसे कि काफी बच्चे वहाँ पे रहेंगे हॉस्टल के अंदर ही, तो कोई मतलब असुविधा फेस नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों को वहाँ पे, 24/7 सिक्योरिटी हमारी तरफ से बच्चे को मिलेगी। तो सर एक चीज यहाँ का है कि कोटा में सर मतलब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोटा में खाना है, तो वहाँ पे मतलब खाना की क्या मतलब जो अभी फूड की सिचुएशन क्या है? देखो क्या होता है कि बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कोटा में आके खाने की, जैसे कि अभी सर ने बताया कि सर खुद ही मेडिकल एस्पिरेंट रह चुके हैं कोटा। नहीं, जे एस्पिरेंट। अच्छा, जे एस्पिरेंट रह चुके हैं यहाँ पर, है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको खाने की आती थी यहाँ पर? हाँ, बहुत। ओके, तो इस साल से वो दिक्कत भी आपकी यानी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी अगर आप PW में एडमिशन लेते हैं। जो मैंने अभी आपको बैच बताया VPR रेजिडेंशियल प्रोग्राम, तो हॉस्टल हमारा खुद का टाइप रहेगा, है ना, PW का, तो वहाँ पे खाने की समस्या नहीं रहेगी, आपको खाना बिल्कुल अच्छा मिलेगा, है ना। तो ये जो समस्या थी इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना फेस करे बच्चा यहाँ पर, पढ़ाई भी अच्छी चलेगी बच्चे की और खाना भी अच्छा मिलना चाहिए बच्चे को, और रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इको फ्रेंडली एनवायरमेंट मिलेगा बच्चे को यहाँ पर। और तो सर वहाँ पे मतलब कौन से क्लास के बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, मतलब ड्रॉपर जे और नीट का 11th 12th कौन से बच्चे ले सकते हैं? ये प्रोग्राम बेसिकली फॉर नीट एस्पिरेंट्स के लिए, है ना, जो नीट की प्रिपरेशन करने आते हैं कोटा के अंदर, चाहे वो 11th का बच्चा हो या 12th का हो या ड्रॉपर का बच्चा हो। अच्छा, वो 11th से ले सकते हैं डायरेक्ट, मतलब जो बच्चे 11th से डायरेक्ट आ रहे हैं मतलब वो 11th से ले सकते हैं एडमिशन? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप 10th में पढ़ाई करते हो, 10th बोर्ड्स दे रहे हो, आप तैयारी करना चाहते हो नीट की 11th क्लास से, तो आप VPRP जो प्रोग्राम है हमारा वो ले सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे मतलब फीस की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी फीस लगेगी और क्या चीज है? बिल्कुल बिल्कुल, फीस मैं बता देता हूँ आपको, जो 1 ईयर प्रोग्राम रहेगा उसमें 1,18,000 फीस रहेगी, है ना, 1 लाख, और 2 साल का जो प्रोग्राम होगा उसकी फीस होगी 2,06,500, जिसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है 30% का, VPRP जो बैच में 30% का डिस्काउंट चल रहा है। तो देखो बच्चों, इससे कम पे कहीं नहीं हो सकता, कोटा में मतलब आपको रहने के लिए, आपको मतलब बाहर कहीं बाहर रह रहे हैं तो आपको खर्चा 1 लाख रुपए पड़ जाता है, मिनिमम आपको 1 लाख रुपए कोटा में खर्चा पड़ जाता है, तो
तो इससे कम में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। 1,18,000 बहुत कम है आपके लिए। मतलब आप कभी इधर कहीं हॉस्टल ले रहे हो तो आपको महीने का 10,000-12,000 का हॉस्टल मिलेगा मिनिमम। वो भी अच्छा हॉस्टल नहीं, मतलब कि हाँ कि चलो एवरेज हॉस्टल है। तो मतलब 1,18,000 आपका बता रहा है सर, तो अभी 30% ऑफ कर देंगे, तो इससे अच्छा ऑफर हो ही नहीं सकता है पूरे कोटा में कहीं भी। तो आप आओ यहाँ पे एडमिशन लो। तो सर मतलब कितना, और जैसे कि कोई बच्चा रेगुलर बेस में एडमिशन लेना चाहता है तो उसमें फीस रहेगी बच्चे की 99,120। जैसे जेईस पेरेंट्स होंगे हमारे उनके लिए, ठीक है, ड्रॉपर वाले बच्चे के लिए 11-12 दो साल की फीस रहेगी, मान लें 69,920। ये दो साल की फीस है, दोनों साल 1,17,000 अप्रोक्सिमेट हो जाएगा, है ना। उसमें भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं 25% डिस्काउंट रेगुलर बच्चों के लिए और 30% डिस्काउंट बीपीआरपी के लिए। तो आप आओ यहाँ पे एडमिशन लो। देखो इससे कम में नहीं हो सकता कहीं, तो इससे अच्छा एनवायरमेंट भी मिल सकता है आपको, पर्सनली मेंटर भी मिलेंगे, हर चीज आपको यहाँ पे मिल सकता है। बिल्कुल बच्चों, देखिए कोटा में कोटा एजुकेशन हब है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी एनवायरमेंट के साथ साथ आपको कंपटीशन मिलेगा। तो जहाँ कंपटीशन है वहाँ पे फैकल्टीज आपको टॉप मोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो आपको पता है कितने बच्चे यहाँ पे कोटा आते हैं अपना ड्रीम लेकर, और सक्सेसफुल एक बच्चा इंजीनियर बन के जाता है या फिर डॉक्टर बन के निकलता है कोटा में। फिर आगे आपके आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी यहीं से निकले हुए हैं, और जितने भी सक्सेसफुल आज पर्सन है वो सारे कोटा से ही पढ़ते हैं। हाँ सर, वो तो ऐसा है। तो सर यहाँ पे फीस वगैरह का मतलब क्या रहेगा डिस्काउंट? देखिए बच्चा अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो सेंटर पे आके आप आईसेट दे सकते हैं, स्कॉलरशिप ड्रेस, ठीक है। और अगर आपको फीस जाननी है क्या डिस्काउंट चल रहा है तो सर के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए गूगल फॉर्म पर फिल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अच्छा सर, आपने इतना कुछ बताया तो इसमें और कुछ खास होने वाली है? बिल्कुल ऐसे ही सर, जैसे मैंने अभी बैच के बारे में बताया, तो अभी मैंने पढ़ाई की बात की, तो पढ़ाई में प्रैक्टिस के लिए भी सोर्स मिलेंगे आपको। सैंपल रिपोर्ट होते हैं, मॉडल्स होता है, डीपीपीज होती है, हम बच्चों को माइंड मैप भी देंगे, है ना। माइंड मैप का मतलब होता है कि जो लेंथी कोर्स होता है, सिलेबस होता है, उसको कॉन्साइज करके हम लोग पूरा एक बुक बनाते हैं। 11-12 की अलग से माइंड मैप रहेगी, तो बच्चा उसकी मदद लेके पढ़ाई कर सकता है। प्लस हम लोग पी वाई क्यूज देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, प्लस एक एडिशनल फीचर है हमारे सब इंटरनेट प्रैक्टिस होता है, तो वो भी मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो जो भी डाउट्स आते हैं बच्चों को डाउट करके वो मिलेगी। तो पढ़ाई के साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा कि पूरा हमारा जो शेड्यूल है वो फिक्स रहेगा। क्लियर, फिक्स कैसे रहेगा कि आप सुबह उठते हो, तैयार होते हो, देन आप ब्रेकफास्ट करते हो, ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद 6 घंटे की लर्निंग क्लासेस जो भी ऑनलाइन भी चलेगी या फिर ऑफलाइन चलेगी, क्लासेस लेते हो, देन लंच करते हो। लंच करने के बाद सर्च रूम मिलेगा आपको, वहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे, जो भी डाउट्स होगा रिकॉर्ड लेक्चर भी मिलेंगे आपको। लेकिन फिर जो भी डाउट्स आते हैं फिर भी आपके, तो डाउट फैकल्टीज के पास जाओगे आप उसको क्लियर करोगे। फिर हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी रूम्स वगैरह भी बनाएंगे, राइट। तो जैसे कि सुबह अगर बच्चा एक्सरसाइज करना चाहता है ना, तो जिम फैसिलिटीज मिल जाएगी बच्चे को, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएगी बच्चे को। अगर मान लीजिए अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, बिल्कुल, तो मेडिकल रूम्स वगैरह भी मिलेंगे। प्लस 24/7 सेफ्टी मिलेगी। हमारी टीम जिनका नाम है SWS, स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी, 24/7 एक्टिव रहती है बच्चों की। तो अच्छा सर, मैं आप मेडिकल की बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद मेरा भी तबीयत खराब हुआ था, डेंगू हुआ था, तो मतलब ऐसा चीज तो नहीं है मतलब जिस बच्चे को डेंगू हो गया, मतलब ऐसा क्रिटिकल तबीयत खराब हो गया तो घर जा सकता है? देखो घर जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप घर जाएंगे तो उसमें थोड़ा आपका टाइम जाएगा, फिर टाइम जाएगा तो फिर बैकलॉग ज्यादा क्रिएट होगा। तो इसके लिए हमारे जो मैंने आपको टीम बताया ना, स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी, कुछ हॉस्पिटल से हमारे टाइम है यहाँ पर, तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी उसमें। अच्छा सर, इसके पहले ऑफर यहाँ पर चल रहा था कि जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो उनको एक कार्ड मिलता था कि आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो उस कार्ड पे इतना ऑफर मिल जाएगा, तो वो वैलिड है? देखिए कार्ड जो आप बोल रहे हो वो एक प्रोसेस होता है, हेल्थ जीनी प्रोसेस हमारा यहाँ पे भी चलता है। तो 100 rupees का एनरोलमेंट होता है उसमें, ठीक है। उसमें जो भी चेकअप होते हैं बच्चे के, वो 50-60% डिस्काउंट में बच्चों को मिल जाता है। फिर भी हमारे यहाँ पे हमारे जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं हमारे टाइप है ना, तो उसमें हम लोग हेल्प करेंगे बच्चों। और मेडिकल रूम से मैंने आपको बताया ऑलरेडी, कैंपस में मेडिकल रूम है ना। और जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपकी चलेगी तो पढ़ाई के साथ साथ आपके जो माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए हम एक्टिविटीज करेंगे, जैसे चेस हो गया, बोर्ड गेम हो गए, बैडमिंटन आप खेलते, क्रिकेट टर्फ मिल जाएगा आपको खेलने के लिए, है ना। तो सारी एक्टिविटीज के लिए आपको यू नो सारी सुविधाएं मिल जाएगा, ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं एक्टिविटी के साथ साथ। और जैसे मैंने आपको जिम भी बताया, एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं, योगा क्लासेस भी चलती है, तो वो भी हम लोग कराएंगे नहीं, तो सारी सुविधाएं मिलेगी कम्प्लीट। योगा क्लासेस सर यहाँ भी चलती हैं? बिल्कुल, संडे को हर संडे को डेली बेसिस पे चलती है।
तो सर यहाँ पे फीस वगैरह का मतलब क्या रहेगा डिस्काउंट? देखिए बच्चा अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो सेंटर पे आके आप पैसे दे सकते हैं, इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। और अगर आपको फीस जाननी है क्या डिस्काउंट चल रहा है तो सर के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए गूगल फॉर्म पर फिल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।